आप तरीके से बोलिए उसी तरीके से जो हाथ नीचे तमीज से बोलिए, मैं हाथ नीचे रखता हूँ नीचे एंकर, यू हैव टू अलाउ मी टू क्विट, तमीज से बोलिए, अलाउ मी टू कंप्लीट माय पॉइंट। हम ऐसे नहीं सुनते, मैं समझती हूँ, ये बंगाल में चलेगा, ये पंजाब में नहीं चलेगा बेटा। एक सेकंड, इनकी बात पूरी हो जाए, एक सेकंड सर प्लीज, हमारे लिए सवाल है, आप प्लीज रोइए नहीं। हेलो, हम बम्बो गोलियों से दर्दों से कभी नहीं रोए, हम सिस्टम से रोते हैं, हम जवानों के घर को देखते तब रोते हैं, हमारे आंसू भी अब सूख गए। जब जवान 10 दिन के बाद मुझे पता है भीड़ कोई एक आदमी नजर नहीं आएगा, उनके घर नहीं जाएगा। नमस्कार, तालसों के स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति क्या। पूरा देश वतन पर कुर्बान जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा, आप में हम में गुस्सा है, हमारी आंखें भी नम है, लेकिन एक ही आवाज हर जगह उठ रही है कि पाकिस्तान से अब बदला लिया जाए। इस सब के बीच कुछ नेता ऐसे भी जो हमारे जवानों की शहादत पर सियासत कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व सांसद ने विवादित बयान देते हुए ये कहा कि पुलवामा में जो हुआ उसके लिए, ध्यान से सुनिएगा, पुलवामा में जो हुआ उसके लिए सेना जिम्मेदार। ममता बनर्जी ने कहा इस मामले में वो सियासत नहीं करना चाहती, लेकिन सियासत हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कुर्बानी पर सियासत में लग गए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब हैं, चेयरमैन हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट, टेररिज्म के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज, बिट्टा साहब हमारे साथ। हमारे साथ रूट्स इन कश्मीर से अमित रैना हैं, बीजेपी की तरफ से जफर इस्लाम, टीएमसी सपोर्टर मनोजीत मंडल, पॉलिटिकल एनालिस्ट निशांत वर्मा, शिवसेना से अनंत तारे और डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रही हूं बिट्टा साहब आपसे। सर, आपको, आपने आतंकवाद को सबसे करीब से देखा है, आपने उसके दर्द को महसूस किया है, आप उसमें से होकर गुजरे, तो जब से हमारे जवानों की शहादत हुई है सर, एक तरफ तो सभी सियासी दलों ने एकजुटता का दिखावा किया है। दिखावा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि उस शहादत पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। पूरे राष्ट्र के कोने कोने से आम पब्लिक, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मुझे अहमदाबाद के पास से गांव से फोन आता है, छोटे डिस्ट्रिक्ट से फोन आता है, बिट्टा जी हमने मिलकर के 2.5 करोड़ की राशि इकट्ठी कर ली, अभी शायद 2 करोड़ इकट्ठा और हो जाएगा एक ही जगह से, और हम जो शहीद हुए उनके परिवार के बच्चों को अपनाना चाहते हैं। ऐसे में मुझे कई जगह से फोन आए, को 50,000 नहीं, लाख नहीं, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं आम पब्लिक ने, आम लोगों ने। मुझे यह समझ नहीं आती, जैसे नूर भानो जी ने आपका अभी बताया, मैंने तो अभी आपसे सुना, ये क्यों बोले आपको मालूम है? ये इसलिए बोले कि इनका जो एरिया है वहां का, चाहे मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ होगा, पाकिस्तान आईएसआई के खिलाफ होगा, पर वहां से इनका वोट बैंक है। कभी इनको देखा? एमपी रहे, बड़े सीनियर लीडर इनके पति रहे, इनको देखा? फौज के ऊपर इल्जाम लगा दिया? जब भी आपने ऐसा कभी शहादत हुई, आपने देखा राजनीति डिस्कशन के अंदर यही होता, तेरे टाइम पे 26/11 हुई, तेरे टाइम पे पठानकोट की घटना हुई, तेरे टाइम पे पार्लियामेंट हुआ, क्या हम पॉलिटिशियन वहां फौज वालों के जवान बक्से पकड़ के उनके साथ उनकी गोलियां लेके जा, उनके बंदूकें पकड़ के लेके जाते थे क्या? अगर लेके जाते थे, अगर जवानों के साथ कड़क बर्फों में जब जवान जमीन में दुस जाता है इन दिनों के अंदर, तो वहां पे गए थे क्या? ये टोटल राजनीति है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। और एक बात बताऊं, हिंदुस्तान की आम पब्लिक तो करोड़ों रुपया इकट्ठा करके देने को तैयार खड़ी है। कौन सा राजनीतिक दल है जो किसी के घर में जाके कहा हो ये तुम्हें 10 लाख की लाश की कीमत नहीं लगा रहा हूं, पब्लिक से सीखे, ये 10 लाख की राशि हम पॉलिटिकल अपने पार्टी से, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने प्रदेश से है कोई? फोटो के लिए, पब्लिसिटी के लिए, मीडिया में आने के लिए, और 10 दिन के बाद इनके घर में किसी को पूछने वाला नहीं, आओ मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूं। वो परिवार जिनसे इतने इतने वादे किए, कोई हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिशियन उनको मिलने तक नहीं गया, ये मैं इसका गवाह हूं। पिट्टा साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुनिए सर।
जरा सुनिए सर, क्योंकि मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास आगे जाऊंगी। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर इतना बड़ा वाकया हुआ है तो मैं कहूं कि ये होम मिनिस्टर जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार, ये कोई मैं समझता हूं राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। जब 1500 जवान जा रहे थे, जब वहां बर्फों ने पूरा ढका हुआ था हर जगह को, बार बार उठा के उनको गाड़ियां निकल रही थी, आप देखिए जब सोना के अंदर वहां पे बुरान बानी मारा गया, कम से कम 8000 जवान प्लेन से वहां पे नीचे उतारे गए पूरे कश्मीर को बचाने के लिए। मेरा यह सवाल है, सुरक्षा फोर्सेस के ऊपर भी है, होम मिनिस्ट्री से भी मेरा सवाल है, इसको पॉलिटिकल ना लिया जाए, क्या हमारे जवान इन दिनों में उस तरीके से एक प्लेन के अंदर 700 जवान 500 जवान दो शिफ्टों में लेके नहीं वहां जा सकते थे? जितना पैसा वहां पेट्रोल में हर चीज पे मशीनरी पे लगा, हमारे जवान भी बच जाते, हमारे जवान भी बच जाते और जवान सलामत भी वहां चले जाते। ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा प्रश्न है, उसका जवाब मैं सर जरूर लूंगी। जैसे कहता है अंग्रेजी में सिटिंग डक, इन लोगों को मारा गया है। अब सोचिए अगर उन लोग लाइन ऑफ फायर में रहते हैं, अगर कोई वार चल रहे थे तब कोई अगर इस तरह का कैजुअलिटी हुआ, ठीक से किस तरह की बात है, इन लोगों को प्री प्लान मारा गया है। और आप लोग प्री प्लान टीएमसी के सपोर्टर है, अरे मेरी बात सुनो, भी नहीं मिला है। अरे मेरी बात सुनिए, बात सुनिए, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। मेरे को बात पूरा कर रहे, आपको मैं जवाब देता हूँ। अरे राष्ट्र के लिए जवान शहीद हो जाते, अरे उसी पार्टी में था जहां जी ममता जी थे, आप कहते जवानों को, आप कहते जवानों को मारा गया, आप कहते जवानों को, किसने मारा जवानों को, किसने शहीद किया जवानों को, पूछना चाहता हूँ। आपका नरेंद्र मोदी से चिकवा गया हो सकता, जवानों से चिकवा गया क्या, बताइए आपका जवानों से चिकवा गया क्या, क्या चिकवा गया, आप बोले थे, दोबारा बोलो, बोलो मैं जवाब देता हूँ, बोलो। अरे अरे गठबंध मत करो, मेरे को बात पूरा करने दीजिए, गठबंध मत करो। तुमने क्या कहा, क्या कहा, देखिए जवानों को प्री प्लान मारा गया है, घुमा दिया है, लाइन कटो, ये कहा, नहीं नहीं आई क्विट दिस शो, क्या कहा, क्विट दिस शो, यू आर नॉट अलाउड टू इवन टू कॉल माय पॉइंट बिट्टा साहब, एक आई क्विट दिस शो, आप क्विट कीजिए ना कीजिए, उन्होंने कहा प्री प्लान मारा गया के क्या मतलब है, जवानों के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, क्या सवाल, क्या कहना है नरेंद्र मोदी जी के साथ, यू हैव टू अलाउ मी टू कंप्लीट माय पॉइंट, तरीके से बोलिए, उसी तरीके से जो हाथ नीचे तमीज से बोलिए, मैं हाथ नीचे रखता हूँ, नीचे नीचे एंकर, यू हैव टू अलाउ मी टू क्विट, तमीज से बोलिए, हम ऐसे नहीं सुनते। मैं समझती हूँ आपकी बात, मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ सर, मैं आपकी जवानों की शहादत के बाद हर किसी के दिल में बहुत गम है, जिस तरह से मनोजीत मंडल साहब ने सर एक सेकंड, अरे कभी ऐसे हाथ नहीं हमने देखा, ये नीचे प्लीज ऐसे हाथ करो देश के लिए, हाथ देश के नीचे करा के छोड़ूंगा, इसके नीचे करा के छोड़ूंगा, ये बंगाल में चलेगा, ये पंजाब में नहीं चलेगा, विशेषता सेकंड, इनकी बात पूरी हो जाएगी, एक सेकंड सर प्लीज, मनोजीत मंडल ये वो लोग हैं जिन्होंने टेररिज्म का दर्द झेला है, हमें और आपको ये बात समझनी होगी। मनोजीत मंडल काम डाउन, व्हाट काइंड ऑफ पीपल इन वॉर, मनोजीत मंडल काम डाउन, अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया बेटा साहब, नहीं उसको आवाज को ठीक करिए ना, आदित्य जी आप बहुत समय दे रहे हो, किसी के साथ आदित्य जी बर्दाश्त, आदित्य जी मुझे मौका दीजिए बोलने के लिए, आदित्य जी बदतमीजी बर्दाश्त, ठीक है पॉलिटिकल मर्डर, कौन सा मर्डर, बिट्टा साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, हर आदमी को ये डराते हैं, बिट्टा साहब मैं आपका दर्द समझ, कुछ भी बोल देते हैं, बिट्टा साहब आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज, मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ, मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ सर, प्लीज प्लीज काम डाउन, प्लीज हैव वाटर,
मैं दूसरे गेस्ट के पास जाती हूं, मैं आपका गुस्सा समझ रही हूं। आपको उन्होंने जो बोला उस पर कुछ बातों पर आपत्ति थी, मैं आपकी बात समझ रही हूं। बिट्टा साहब, मैं अभी सरकार ने ये कहा सर, आप ये जब देखते हैं, मैं तो जब ऐसी डिबेट जब मैं मॉडरेट करती हूँ ना, बहुत तकलीफ होती है, एक साल से बहुत आहत महसूस करती हूँ, क्योंकि सर मेरे को तो न कांग्रेस ना बीजेपी कोई मेरे लिए दलहित नहीं, मेरे लिए देश हित है, मेरे लिए देश है। आप तो इस दर्द से होकर गुजरे हैं, मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं एक चीज बताऊं, हम बम्बों गोलियों से नहीं हारे हैं, हम बार बार मौत से नहीं हारे हैं, मौत हमारी दोस्त है। आज भी बम सामने पड़ा हो, पता मौत है तो हम बम पे चढ़ जाएंगे राष्ट्र के लिए। हम राजनीतिक सिस्टम, देश की सुरक्षा व्यवस्था का सिस्टम, मेरी जिंदगी का जो अनुभव है, 40 साल 37 साल हो गए लड़ते हुए, हम हमारी फोर्सेज कभी नहीं हारी। हमारी फोर्सेज अभी भी एक गोली चलती 100 गोली का जवाब देती है। अब जो जवान शहीद हुए, मैं फिर कहूं, मैं को नरेंद्र मोदी, मैं बीजेपी में काम, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मुझे एक चीज बताइए, हम बार बार पाकिस्तान आईएसआई कहते हैं, जो हमारी दुश्मन है, हमारी दुश्मन हमेशा रहेगी, वो नहीं हटेगी। आपने किस तरीके से, मैं जेड प्लस में हूं और भी लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, हम कई ऐसी जगह पे जाते हैं, चिड़ी भी पर नहीं मार सकती, क्या जवान बेटे बकरियां हैं क्या? हमने उनको भेज दिया, वो नहीं, मेरी बात, हमने छुट्टियों पर आए, हमने गाड़ी में धक्का दिया, भेज दिया, हिफाजत करो, वो चले गए। वो अपने बच्चों के पास कैसे आए, उनकी बॉडी कैसे आई? हमने जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं, उनकी कोई रक्षा नहीं, हमारी रक्षा है वीआईपी की। ये सबसे बड़ा सवाल है, मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा, हम आगे चार चिप्चियां लगा सकते थे, हम दूर भी लगा सकते थे, गाड़ी क्यों बीच में घुसी, ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा हमारे लिए सवाल है। आप प्लीज रोइए नहीं, हम बम्बो गोलियों से दर्दों से कभी नहीं रोए, हम सिस्टम से रोते हैं, हम जवानों के घर को देखते तब रोते हैं, हमारे आंसू भी अब सूख गए। जब जवान 10 दिन के बाद मुझे पता है, भीड़ कोई एक आदमी नजर नहीं आएगा, उनके घर नहीं जाएगा, मैं इनके दर्द जानता हूं, किसी को मैं फोन करूंगा नेता को, कोई नहीं कहेगा कि इनकी ये हेल्प हमने करनी है, हम कहते हैं इनका जेन्युइन केस है, कोई हेल्प नहीं करता है, ये सब ड्रामा है, ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है, जवान अपने कर्तव्य पूरा करते रहेंगे, आगे उनके बच्चे राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए कर्तव्य पूरा करते रहेंगे, और हम पॉलिटिशियन इन लाशों के ऊपर राजनीति करते रहेंगे, करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये मेरा अनुभव है। माफी देना किसी को मेरी बात बुरी लगी, कोई यहां किसी का तर्क, किसी का दुख सुनने वाला नहीं है, सब टेलीविजन पे है, आज दिखाया, उसके बाद आप पता कर लेना मैं आऊंगा, क्या किसी के घर में कोई जाता है? कोई किसी के घर में नहीं जाता। जफर इस्लाम, जवाब सर आपसे, क्योंकि सर सरकार आपकी, बिट्टा साहब का सवाल भी आपके लिए था, लेकिन सर संजीदा जवाब, और सारे पैनलिस्ट से मैं कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों को इस मामले की गंभीरता, संजीदगी दिखाई नहीं देती, लोग अब भी रो रहे हैं, लोगों की आंखों में अब भी आंसू हैं, सियासत इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है? बिट्टा साहब को दे रही हूँ, उन्हीं के साथ ये शो क्लोज करेंगे, ठीक है? किसी को कुछ नहीं कहना, सिर्फ जवानों को लेकर जो शहीद हुए, जो आगे अपने राष्ट्र के लिए, हमारी राजनीति से अलग होकर अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन कुर्बान देने के लिए तैयार रहेंगे, अपनी मां को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पिता को देखते हुए जाते वक्त घर से निकलते हुए यही कहेंगे, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। Nissan Kicks, the intelligent SUV.